और बच्चा लोग कैसे हो सब? चलिए आज कुछ करते हैं नई सी ट्रिक। हाँ बच्चों, इस समय सर्दियाँ बहुत आ गई हैं। अब सर्दियों में हम खुद तो ग्लव्स भी, कैप भी, सब कुछ मफलर लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, वो आला है भगवान जी का जिसमें हम भगवान जी को बिठाते हैं, तो उन्हें भी ठंड लगती होगी। ठंड लगती है तो उन्हें भी हम बाज़ार से कैप लाते हैं, उन्हें पहनाते हैं, स्वेटर लाते हैं, पहनाते हैं। आज मैं आपको 5 मिनट में टोपी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। बची हुई कोई भी ऊन हो, एक कलर की, दो कलर की, आप इस तरीके से टोपी को बनाओ और बैठे बैठे, मतलब टीवी देखते देखते, आपकी भगवान जी की टोपी बन जाएगी। ठाकुर जी की बनाए, भगवान जी की बनाए, जिनमें आप श्रद्धा रखते हैं उन्हें आप इस तरीके से कैप बनाकर पहनाएं, बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या। इस टोपी बनाने के लिए मुझे चाहिए ऊन, कोई भी कलर की आप ऊन ले लीजिए, और एक करीब करीब 8 इंच के आसपास आप नाप लीजिए और उसे कई बार आप मोड़ के इस तरीके से धागे बना लीजिए। अब ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी टोपी बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कोई पुट्ठा टाइप ले लिया है, या कोई भी मोटा पेपर, जैसे हमारे पास कार्ड इनविटेशन के आते हैं उसमें से भी आप काट सकते हैं। अब इसे जोड़ने की बारी है कि गोल आपको उतना ही बनाना है जितने आप ठाकुर जी की मोटी टोपी आप बनाना चाह रहे हैं। अब जोड़ने की बारी है, मैंने तो इसे ग्लू गन से जोड़ दिया है, आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, आप फेविकॉल से जोड़ सकते हैं, नहीं हो कुछ तो टेप लगा कर भी इसे जोड़ सकते हैं, आप स्टेपलर से भी जोड़ सकते हैं। एक और बात, इसे जैसे हम धो नहीं सकते क्योंकि हम पुट्ठे से यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई इस टाइप का पतला प्लास्टिक हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप वॉशेबल भी रहेगी वो कैप। तो अभी तो मैंने इसे पुट्ठे से ही बनाया है। पुट्ठा मतलब हमारा जो कार्ड वाला, जो डायरी वाला, जो ऊपर वाला पेपर होता है वो मैंने लिया है, इसे मैंने जोड़ दिया है, इस तरीके से राउंड बना लिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक एक धागे को उठाना है, उसे इस तरीके से पकड़ना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए ये राउंड वाला पार्ट है, उसमें हम जो नीचे जो धागे हैं उसे निकाल लेते हैं, बस इसी तरीके से। ये देखिए कैसे नॉट बन गई। एक और मैं दिखाती हूँ, बहुत ही आसान है। एक बार ये ट्रिक समझ जाएंगे ना तो टीवी पे बैठते बैठते पता नहीं कितनी टोपियाँ बना देंगे। बहुत ही मज़ा आता है ना जब घर में अपने हाथ से कुछ काम करते हैं। ये देखिए दोनों धागों को लेकर उसमें डालना है होल में और उसे निकाल देना है और उसे पास पास में करते जाना है। ये देखिए, तभी मैंने कहा था ना कि धागे कितने चाहिए ये डिपेंड करता है उस पुट्ठे की गोलाई पर। अब जब तक ये पूरा भर नहीं लेंगे तब तक हम इसी तरीके से डालते जाएंगे। ये देखिए एक तरीके से हम लोग नॉट बांधते जा रहे हैं। ये देखिए अब सारे ही हमें इसी तरीके से करने हैं। आप दो कलर लेंगे तो थोड़े वाइट के, थोड़े इसके, कोई भी कलर के ले सकते हैं। मैंने दो कलर में भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सच में कहती हूँ मन को बड़ी शांति मिलती है जब हम कोई काम खुद करते हैं। ये देखिए बातों बातों में पूरा ये भर सा गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। हमें कोई सुई धागा नहीं चाहिए, कोई सिलाई नहीं चाहिए, तो कोई बहाना भी नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता, ये तो आपको आ ही जाएगा। और ज़रूरी नहीं है सारे काम बच्चे ही करें, ये तो आपके साथ बुजुर्ग भी मिलके काम कर सकते हैं क्योंकि उनको बड़ी श्रद्धा रहती है इन कामों में। ये देखिए ये ऑलमोस्ट सारा हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, चाहते तो आप ऊपर से ही बस इसे नॉट बांधते कैप बन सकती है, पर इसमें और ज़्यादा अच्छा लुक आए, बिल्कुल मुकुट की तरह लगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सारे धागों को बाहर की तरफ निकाल देना है। ये देखिए मैंने निकाला बाहर की तरफ, उससे क्या होगा, एक तो टोपी काफ़ी मोटी होगी, ठंड नहीं लगेगी और एक अच्छा सा लुक भी आएगा क्राउन की तरह। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए अब इसे आपको बांधना है, उसी थ्रेड से बांधें या कोई अलग कलर से बांधें, 2-3 बार बांध लीजिए जिससे वो अच्छे से खुले नहीं। अब जो ऊपर का फालतू का पार्ट है उसे खोल काट लीजिए। यहाँ देखिए मैंने कट लगा के ऐसे बढ़िया सुंदर सा उसकी टोपी बना दी है, और मैं दिखाती हूँ कितनी सुंदर सुंदर टोपी है ना, देख के मन खुश हो जा रहा है और मिनटों में बन रहा है, यकीन मानिए मिनटों में। ये देखिए एक बार बनाने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब सेकेंड बनाएंगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए ये 2 कलर की टोपी है, कितनी सुंदर लग रही है ना। बस एक दिन लगेगा आपको 4-6 टोपियाँ बना लोगे और ठाकुर जी को पहनाइए, जो खुशी मुझे मिली वो आपको भी मिलेगी।
तो बच्चों ये कैसा लगा आइडिया? अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना है फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए आए हों तो। पसंद आई हो मेरी ट्रिक तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।